95% आपका लव मैरिज फ्लॉप है, ये हम नहीं कह रहे, रिसर्च कह रहा है। आपको कैसा लगता है लव? अभी तक हुआ नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं, जब होगा पता चलेगा। आजकल निबन ने भी लव भी चला हुआ है। हाँ तो वही तो हार्मोनल इफेक्ट उसी को बोलते हैं ना। ठीक है, शादीशुदा भी बहुत अच्छा लाइफ है, पर शादी से पहले ठीक रहता है, घूमिए फिरिए, पर शादी के बाद कमाओ खाओ कुछ काम नहीं करो तो बीवी बेलना फेंक के मार देती है, तो इज्जत खत्म हो जाती है। लव करना किसको पसंद नहीं होगा, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम है, पहले करियर मेंटेन। लव लाइफ में सबसे बड़ी बात कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इशू है और बहुत ज़्यादा बाबू सोना करना पड़ता है, और ये सब चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है जो घूमते हैं वो स्पेशली लव मैरिज के लिए घूम रहे हैं और उनकी मैरिज हो जी, बस टाइम पास के लिए भी घूमते हैं लोग। आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है? जी नहीं। क्या है, आपकी शक्ल अच्छी नहीं थी क्या? शायद हो सकता है। लव लाइफ कैसा लगता है, लव करना आपको पसंद है? बिल्कुल नहीं, वहाँ बेकार है, टाइम की बर्बादी और एकदम रद्दी। लाल तो अच्छा चल रहा है, इससे पहले वाली काट के बढ़िया चल गई, इसमें भरोसा नहीं है। लव तब करना चाहिए जब वो लोग मतलब पूरा निभा सके, जैसे कि लव कोई करते हैं तो वो लोग आधा आधा करते, जैसे कि कोई लव करते तो वो पूरा मतलब शादी नहीं करते, जैसे लव करके हम छोड़ देते, वैसे ही मेरे साथ भी। बस वो लोग तो पागलपंती कर रहे हैं, बस माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर रहे। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका भोकाल टीवी में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के ऑक्सीजन पार्क में, जहाँ पे आज हम लोगों से जानेंगे कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव लाइफ में कितने लोगों को कितना इंटरेस्ट है और क्या कुछ कहना है आज के युवाओं को। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आजकल लोग जो है लव मैरिज में ज़्यादा यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और आजकल के लोग भी जो है लव मैरिज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको क्या पसंद है? देखिए, मेरा पसंद यही है कि अगर लव मैरिज का आपको हक तभी आ सकता है जब आप इकोनॉमिकली आप खुद को पाल सकते हैं जी। अगर आप डिपेंडेंट है फैमिली, अगर आपको हर समय पॉकेट मनी फैमिली से चाहिए, आपको हर समय ज़रूरत के लिए आपको फैमिली को देखना पड़ता है, आपको कोई हक नहीं है कि उनका डिसीजन को आप काट सकें। लेकिन आजकल तो यही कुछ देखने को मिलता है कि भले वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, लेकिन लव मैरिज करके शादी ब्याह करके अपने माँ बाप के साथ ही रह रहे हैं। अब वो एक फितूर है कह सकते हैं आप, बेवजह में कि कुछ अलग करना है, और वो 99% आपका खुद का क्लेम है कि वो जो रिलेशनशिप होता है वो डिवोर्स के एंड पे ख़त्म होता है जी। 95% आपका लव मैरिज फ्लॉप है, ये हम नहीं कह रहे, रिसर्च कह रहा है जी। और क्यों इंडिया में डिवोर्स नहीं होता अरेंज मैरिज के कारण? आप बिग सिटी में जाइए जहाँ लव मैरिज का ज़्यादा कल्चर है, वहाँ डिवोर्स का कल्चर ज़्यादा है, सेपरेशन ज़्यादा है, ये लिव इन का कल्चर कहाँ से आ गया? वही चीज़ है, आप डिपेंडेंट होना चाहते हो मगर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हो जी। तो आप लव मैरिज करो जब आप उसके लायक बनो। एक लायक आदमी जब लव मैरिज का प्रपोजल घर में भी देता है ना, तो उसका फैमिली एक्सेप्ट करता है। अरेंज मैरिज को किस तरह देखते हैं? अरेंज मैरिज एक रिवाज है हम लोग का, सो चल रहा है। आप उसके खिलाफ तब बोल सकते हो जब आप बोलने के लायक हो। जस्ट अपोजिट जी, नहीं तो फिर ऐसे लव मैरिज हर एंगल से अच्छा है, क्योंकि कास्ट बैरियर खत्म करता है। पर्सनली ओपिनियन मेरा है, कास्ट बैरियर खत्म करता अच्छा चीज़ है। आप क्या करना चाहेंगे लव मैरिज की अरेंज मैरिज? अगर एबल हो जाए तो लव मैरिज करना चाहते हैं, नहीं तो फैमिली कोई खोज के दे दे। बस तब भैया, आपको लव मैरिज पसंद है क्या अरेंज मैरिज? अरेंज। क्यों अरेंज मैरिज क्यों पसंद है आपको? पसंद दोनों है, पर अरेंज हुआ है तो अभी अरेंज ही पसंद। अच्छा, आप शादीशुदा है, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? बहुत अच्छी चल रही है। नहीं चाहते थे क्या लव मैरिज? अभी आपने कहा कि लव मैरिज थे पर वैसा कोई मिला नहीं। मिली ही नहीं, इसलिए आपके घर वाले अरेंज मैरिज करवा दिए। तब बीवी कैसी है, लव मैरिज करने जैसी है, अपने मतलब डिमांड पे रखने वाली है या फिर आपके डिमांड पे चलने वाली है? दोनों पे है। मतलब खौफ उस पे भी है? हाँ, किसे नहीं है उसका खौफ। आपकी शादी होगी तो पता चलेगा कि खौफ किसे होता है। अच्छा ठीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग लव मैरिज करते हैं, लव मैरिज वाले लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ विशेष नहीं, लव मैरिज जो भी करते हैं वो फैमिली की मर्जी से होता है तो बहुत अच्छी बात है, बस सबकी राजी खुशी बहुत जरूरी है जी। आजकल तो पार्क में भी कपल्स घूमते हैं लव मैरिज, अधिकतर तो यही देखने को मिल रहा है। कोई जरूरी नहीं है जो घूमते हैं वो स्पेशली लव मैरिज के लिए घूम रहे हैं और उनकी मैरिज हो जी, बस टाइम पास के लिए भी घूमते हैं लोग। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस और कुछ विशेष नहीं जी। क्या कहना चाहेंगे, आजकल के युवा में लव मैरिज का ज्यादा क्रेज है? पागल है सब। पागल है? ऐसा क्यों, क्यों ऐसा पागल है? वो लोग तो लव मैरिज करके मैरिज भी कर ले रहे हैं, मतलब लव करके मैरिज भी कर ले रहे हैं। सारी बातें डिपेंड करती है आप किस पर्सपेक्टिव से सोचते हो, ठीक है? अरेंज मैरिज अपनी जगह सही है, लव मैरिज भी अपनी जगह सही है,
बात ये नहीं है कि आप शादी करने के लिए एक्साइटेड हो कि हमको लव मैरिज अरेंज करना, बात ये है कि शादी के बाद आप क्या करोगे जी। ठीक है, अरेंज मैरिज जहाँ तक बात होती है आपको सपोर्ट मिल जाता है फैमिली का, लव मैरिज में वो चीज़ें बहुत रेयर मिलती है जी। और बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स। ये बताइए कि लव जब लोग करते हैं तो साथ में घूमते हैं, बाद में मुकर जाते हैं कहीं कहीं, वो लड़की कह देती है फैमिली वालों के वजह से मैं शादी नहीं कर सकती, वो लड़का कहता है मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हूँ शादी नहीं कर सकता, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं उन लोगों के बारे में, वो लोग भी पागल है? पागल नहीं है, कुछ नहीं कह सकते हैं, भगवान उन लोगों को बुद्धि दे और क्या कह सकते हैं। देखिए हार्मोनल डिफेक्ट और लव दोनों में अलग अलग बातें होती है। ठीक है, इनिशियली जो एक एज होता है उसमें वो चीज़ है, आप समझ लेते हो अटैचमेंट को लव, वो अफेक्शन होता है। ठीक है, और अफेक्शन और लव में बहुत अंतर है। आजकल निबन्नी भी लव भी चला हुआ है। हाँ तो वही तो हार्मोनल इफेक्ट उसी को बोलते हैं ना। ठीक है, वो हार्मोनल इफेक्ट वही है कि भैया हम एक सर्टेन टाइम के बाद हमको एक ऐसा फील हो रहा है जो हम कभी जिंदगी में महसूस नहीं किए, तो आप उसको प्यार समझ लेते हो जबकि वो कुछ और है जी। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो इंसान इसको प्यार समझ के आगे बढ़ता है, तो बाद में ही होता है कि मेरी फैमिली हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, ये होगा वो, तो बहुत सारी बातें हैं। तो लव और अरेंज की जहाँ तक बात रही, आई प्रेफर अरेंज। आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है? जी नहीं। क्या है, आपकी शक्ल अच्छी नहीं थी क्या? शायद हो सकता है। ठीक है, या हम इसको प्रेफर नहीं करते, अरेंज मैरिज इज बेटर देन लव मैरिज फॉर माय पर्सपेक्टिव। थैंक यू। यहाँ पे मजे में चाउमीन खा रही है। इनसे बात करेंगे, लव मैरिज को किस नज़रिए से देखती हैं आप? लव मैरिज ना जिंदगी में लव है तो कोई ओपिनियन नहीं है। अच्छा, कोई एंगल ही नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब है ही नहीं तो ओपिनियन कहाँ से होगा? बॉयफ्रेंड नहीं है आपका भी? नहीं, एक्सपीरियंस लोग उसी चीज़ का करते हैं जो आपके साथ हो रहा हो, आपके साथ हो, है कि नहीं, तो कुछ नहीं है। अरेंज मैरिज को किस तरह से देखते हैं? अरेंज मैरिज का लाइफ जो होता है, आपके अड़ोस पड़ोस में भी होंगे, उनका लाइफ किस तरह से गुजरता है, क्या लगता है? वो लोग खुश ज़्यादा रहते होंगे कि लव मैरिज करके वो लोग ज़्यादा खुश रहते होंगे? मैं कंपेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन थॉट्स मिल गया तो दोनों में हैप्पी रह सकते हो जी। डिपेंड करता है, थॉट्स मैच करना चाहिए। इस पार्क में घूमने आए, अकेले आए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं लाए हैं क्या? यह है ही नहीं। अरे अभी तो ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं कभी। अच्छा, जब होगा तब देखा जाएगा। अच्छा, किस नज़र से देखते हैं आप लव मैरिज को? ठीक है, लव मैरिज जो है उसका भी अपना अलग है सीन जी। अगर कोई अरेंज मैरिज करता है तो उसका अपना अलग फ़ायदा है, दोनों अपने अपने हिसाब से ठीक है। अब क्या लगता है किसकी लाइफ सबसे अच्छी होती है? मेरे हिसाब से तो लव मैरिज वालों की लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? आपकी तो गर्लफ्रेंड नहीं है अभी। क्योंकि ऐसा है कि देखिए, शादी से पहले लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा होता है ना कि वो पहले से जान पहचान तो अच्छी है, उनके बारे में जान रहे हैं आप, तो आपकी लाइफ ऐसे थोड़ी तो शॉर्टेड हो जाती है। तो शादी के बाद भी लगभग लगभग चीज़ें आप ज़्यादातर समझने लगते हो लोगों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझने की वजह से आपका जो लाइफ है ज़्यादा बेहतर होगा। जबकि अरेंज मैरिज में होता है कि कुछ साल तो ऐसे ही समझने में ही लग जाते हैं। अच्छा, तो लेकिन कहीं ना कहीं हम बीच में बोलेंगे आपको कि लव मैरिज वाले जो होते पहले खुश रहते हैं, बाद में फिर वही तकरार, ये वो। अन्य लोगों का कहना है कि डिवोर्स में ही एंड हो जाता है। नहीं नहीं, वो तो डिपेंड करता है। देखिए अभी मैरिज के साथ साथ में मतलब बहुत तरह से लोग जानना भी ज़रूरी होता है। हाँ, बहुत तरह से लोग ऐसे हैं ना जैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जी। तो अगर वो डिस्ट्रैक्शन आएगा तो ये चीज़ तो होना है। अगर आप उसी चीज़ को बना कर रखते हैं तो फिर वो सही है जी। उसमें फिर मुझे नहीं लगता कि फिर कभी डिवोर्स जैसा कोई कंडीशन आएगा। आप अगर अपने पार्टनर को समझ रहे हो, उससे खुलकर बात कर रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होने वाला है जी। आजकल निब्बा निब्बी का भी प्यार चला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उन लोग के बारे में? बस वो लोग तो पागलपंती कर रहे हैं, बस माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर रहे और अच्छा। क्या बोले, किस टाइप का नाम रोशन करना चाहिए? ये भी तो नाम ही रोशन हो रहा है ना, कहीं देख रहे थे अरे आपकी बेटी थी। अब बेचारे उनका पापा लोग सोच रहे पढ़ने गए हैं, पर ये लोग तो प्यारे मोहब्बत में डूबे हुए हैं, क्या ही बोल सकते हैं। क्या है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है का? हम तो शादीशुदा है। ओ भाई, क्या कहना चाहेंगे शादीशुदा लाइफ वालों के बारे में? शादीशुदा भी बहुत अच्छा लाइफ है, पर शादी से पहले ठीक रहता है, घूमिए फिरिए, पर शादी के बाद कमाओ खाओ कुछ काम नहीं करो तो बीवी बेलना फेंक के मार देती है, तो इज्जत खत्म हो जाता है, बस यही बात है। अच्छा, बीवी बेलना फेंक के मारती है, उसके बाद भी और कुछ कुछ काम करवाती है का? नहीं, उसके बाद नहीं, अगर हाँ ज्यादा हुआ तो झाड़ू पोछा का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन उर्तन धोइए। अच्छा, नहीं तो बेलना का मार खाइए। हाँ, नहीं तो छोलनी भी कभी कभी मिल जाता है, गर्म वाला, ठंडा वाला। ठंडा वाला। क्या नाम है पार्क का?
नीलांबर पीतांबर ऑक्सीजन 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 पार्क के अंदर है। इन लोगों से बात करेंगे, लव मैरिज को किस नजरिए से देखते हैं? ठीक ही नजर से देखते हैं हम लोग। अच्छा, और उतना मतलब हमारे सोसाइटी में ज्यादा कोई पसंद करते भी है, बहुत कोई नहीं भी करते हैं, आदमी के सोच पे डिपेंड करता है। आपको कैसा लगता है लव? अभी तक हुआ नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं, जब होगा पता चलेगा। अच्छा, आपको हुआ है लव? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई है अपने फैमिली के साथ। आप लेके नहीं आए? नहीं, कैसे फैमिली के साथ आई, दो बार देखी तो छुप छुप के देख रही कि नहीं? हाँ, अभी आगे गई, पीछे पीछे से हम लोग बस आ रहे, दोस्त लोग के लेके घूम रहे। अच्छा, क्या खर्चीली और चिली परेशान करती है? खर्चीली नहीं है। अच्छा, अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे, जो अरेंज मैरिज वालों का लाइफ होता है उनका किस तरह का होता है, लव मैरिज वालों का लाइफ किस तरह का होता है? अरेंज मैरिज वाला भी देखे, लव मैरिज वाला भी देखे, ऐसे तो कैसे बोले, खुद अब मेरे पे आएगा तब हमको पता चलेगा। वैसे आप पे तो लव चल ही रहा है, बताइए कुछ लव अभी तो फिलहाल लगता है, कैसा लगता है? फिलहाल तो अच्छा चल रहा है, इससे पहले वाली काट के बढ़िया चल गई, इसमें भरोसा नहीं। लव मैरिज वाला में आजकल थोड़ा मतलब भयंकर भयंकर सीन होता है, शादी वादी हो गया है, फिर पति पत्नी मतलब एक दो महीना तक ठीक दिखता है, फिर उसके बाद मार वार, चप्पल चलता है, जूता चलता है, सब चलता है, बिलना भी चलता है। हाँ, चलता है, कभी कभी लगता है कि अरेंज ही ठीक है, कुछ तो मिलेगा अभी ना, इज्जत भी मिलेगा, और लव मैरिज में फिर घर से भी गए, फिर बाद में मार भी खाते हैं। इनका कहना है आप लव कर रहे हैं? मेरे वाला तो ठीक है, हम तो लव ही करेंगे, लव मैरिज ठीक है। आजकल निबन ने भी कभी प्यार चला हुआ? अरे मत परेशान है निबन भी, कहे के लिए आप लोग परेशान है, आप लोग तो निबन भी नहीं है ना, कहीं भी चलने लगता, कहीं भी चल हो जाते वो लोग कहीं भी। अच्छा, उसका बिहेवियर पूरा निब्बी जैसा, मतलब क्या बताया, अंडरस्टैंडिंग है ना, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में अंतर कर लिए तो पता चल गया कौन अच्छी है कौन काहे की, कंपेयर कर लिए। आप लव को लव करना बहुत अच्छी चीज़ है, बट मेरे ख्याल से जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स लोग को लव नहीं करना चाहिए, जैसे कि वो लोग मैट्रिक के बाद जैसे लव करते हैं तो वो सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल तो निब्बा ही निब्बी का लव चला हुआ है ट्रेंड में। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन लव तब करना चाहिए जब वो लोग मतलब पूरा निभा सके, जैसे कि लव कोई करते हैं तो वो लोग आधा आधा करते, जैसे कि कोई लव करते तो वो पूरा मतलब शादी नहीं करते, जैसे लव करके बस रास्ते में छोड़ देते, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है। कुछ लड़कों का कहना था कि निब्बी लव काट के चली जाती है, जो एक उसके काट के चली गई, ऐसे कुछ नहीं है, जैसे कहीं पर लड़का अच्छे रहते हैं तो कहीं लड़की अच्छी रहती है। मैंने भी किसी से दिल से लव किया था, बट उन्होंने क्या बोलूं, वह मेरा साथ नहीं दिया तो काट के चला गया क्या। बट मैं चाहती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि जैसे किसी से भी लव करे तो मतलब पूरा उम्र भर तक उसके साथ रहे, ये नहीं कि बीच रास्ते में उसको छोड़ के चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अरेंज मैरिज को किस तरह देखती हैं आप? लड़कों का कहना है कि बेलना से मार होता है, छोलनी से मार होता है। अरेंज मैरिज में जैसे कि अगर मान लीजिए कि जैसे हस्बैंड की गलती है तो उसको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, एंड वाइफ की गलती है तो उसको वाइफ की भी गलती मान लेनी चाहिए, इससे मतलब दोनों खुश रहेंगे। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगी अरेंज मैरिज और लव मैरिज को लेकर? हाँ, मेरे फैमिली भी अरेंज मैरिज भी है, मतलब मेरे मम्मी पापा भी है, लेकिन वो लोग कभी लड़ाई नहीं होती, मतलब कुछ भी बात होती है तो वो लोग मतलब आपस में मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, आपस में बात नहीं बढ़ने देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पापा की गलती भी होती है तो वो अपना गलती मान लेते, चाहे कितनी बड़ी भी गलती क्यों ना हो, मान लेते। बीवी से मैं घर होना है इसलिए नहीं, कभी पापा मारते नहीं मम्मी को। नहीं नहीं, मम्मी छोली तो दिखा देती होंगी। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मेरे फैमिली में ऐसे कुछ नहीं होती है। अच्छा, लव करना कैसा लगता है आपको? लव करना किसको पसंद नहीं होगा, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम है, पहले करियर मेंटेन करे, उसके बाद फिर ये सब आगे बढ़े तो शायद आगे बात भी बन सकती है। आजकल तो 14-15 साल के बच्चे जो है वो प्यार भरा जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ये सब गलत है, ये टाइम नहीं है, प्यार करने का टाइम नहीं है, ये पढ़ाई करने की टाइम है जी, तो आई थिंक ये बिल्कुल गलत है। हाँ, मतलब टाइम होना चाहिए, सब चीज़ के लिए टाइम होना चाहिए। लड़कों का कहना है कि लड़कियाँ बेवफा होती है, काट के चली जाती है। लड़के कौन से नहीं काट के जाते हैं। अच्छा, लड़के वैसे डिपेंड करते हैं, इंसान पे डिपेंड करते हैं वो कैसे है जी। लोगों का लड़कों का कहना है लड़कियाँ बेवफा होती है, लूटने वाली होती है। तो बेचारा दिमाग बेच खाया हुआ कहीं तभी लुटा रहा है। अच्छा अच्छा, लव मैरिज को आप किस तरह से देखती हैं? लव मैरिज अगर फैमिली
आई थिंक कि जैसे भाग के शादी होती है वो सब चीज़ सही नहीं रहती है, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और लव मैरिज आई थिंक इट्स ग्रेट, मतलब इससे कोई खराबी नहीं है अगर अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। लड़कों कहना है लव मैरिज करके बिलना से मार खाओ, छुल्ले से मार खाओ, कोई काम नहीं करो तो नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा अरेंज मैरिज को किस तरह से देखती हैं आप? अरेंज मैरिज भी रेस्पेक्टफुल है लेकिन टू सम एक्सटेंट आई थिंक कि अरेंज मैरिज भी सही नहीं है। उसमें बस ये होता है कि एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि आप उसको पसंद कर लीजिए, मतलब उतना मैटर नहीं करता, सामने वाले का पसंद मैटर नहीं करता, लड़के लड़की का पसंद नहीं मैटर, पेरेंट्स ला करके दे देते हैं और उनके साथ लाइफ बिताओ, बस वही बात होती है चाहे किसी तरह भी हो। हाँ जनरली तो ऐसा होता है जी। हमारे साथ एक भैया मौजूद है, उनसे जानेंगे लव लाइफ कैसा लगता है, लव करना आपको पसंद है? बिल्कुल नहीं, महा बेकार है, टाइम की बर्बादी और एकदम रद्दी है। क्यों रद्दी है? लोग तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आजकल तो ट्रेंड में निब्बा निब्बी का प्यार चला हुआ है, इतना पसंद करते हैं लोग, आप रद्दी बोल रहे हैं इसे? बेचारे रद्दी है, क्या करेंगे। अच्छा रद्दी है इसीलिए? हाँ। वो लोग टाइम पास करते हैं सब, टाइम पास है। लोगों पास इतना टाइम होता है कि वो लोग प्यार पे टाइम पास करें? एकदम, अभी हम लोग का टाइम पास के लिए देखिए हम अपने 3 दोस्त साथ है, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। और वो लोग कहना ही क्या है, सबको पता ही है। क्या नहीं वो चीज़ बताइए, अब हमें नहीं पता है। एकदम बेकार सा, पूरा टाइम का बर्बादी और इतना सारा टेंशन है कि अभी एक प्रपोजल आया था, हम तो हाल ही में रिजेक्ट किया, बहुत मजा आया। मेरा दोस्त का बेचारे का काट के चल गई, वो भी साइड साइड से कभी चिल मारने के लिए लाए हैं यहाँ पे। अच्छा आपका दोस्त का ब्रेकअप हो गया है? हाँ, हैप्पी ब्रेकअप केक। अच्छा कैसा लग रहा है उसको, पहले कैसा रहता था अब कैसा रह रहा है वो? पहले वो पिज्जा का मजा लिया, अभी उसको क्या पेट खराब हो गया क्या, कराने के लिए लाए बोले चलो वॉक करो थोड़ा। अच्छा अरेंज मैरिज को किस तरह से देखते हैं? अरेंज मैरिज है बेस्ट, बेस्ट एकदम बेस्ट, सबसे बेस्ट। कपल सबका कहना है कि अरेंज मैरिज अच्छा नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि वो जानने में बहुत टाइम लग जाता है और जान नहीं पाते, और लव मैरिज पे होता है कि लोग जो है पहले से जानते हैं एक दूसरे को। हाँ ये बात है, लेकिन पहले से जान भी गए कि ये सामने वाली चोरनी है तो फिर क्या फायदा। उससे अच्छा बाद में पता चले। अच्छा अब वो चोरनी यार गला में पड़ गई है तो हटाने में कितना दिक्कत आता है, यू नो। अच्छा ऐसा कहना है आपका, बहुत खराब कहना है। मतलब क्या लगता है अधिकतर लड़कियां काटती है कि लड़के काटते हैं? दोनों काटते हैं क्या बोले। अच्छा दोनों काटते हैं। हाँ चलिए क्या कहना चाहेंगे, लव लाइफ किस तरह का होता है? लव लाइफ में सबसे बड़ी बात कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इशू है और बहुत ज़्यादा बाबू सोना करना पड़ता है। और ये सब चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा ज़्यादा फ्रेंड है, अगर फ्रेंड थी क्या गर्लफ्रेंड थी बट अब नहीं है, ब्रेकअप। क्यों 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 काट के चली गई क्या आपकी? नहीं वैसा कुछ नहीं है, काटी नहीं बट शादी हो गया उनका, इसीलिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा किसी। क्या कहना चाहेंगे, वो लव लाइफ अच्छा होता है या फिर अरेंज मैरिज लाइफ अच्छा होता है या अभी जो आप गुजार रही है लाइफ अच्छा है? मैं बोलूंगा बेस्ट है, आप फ्रेंड सर्कल के साथ जितना फ्रेंकली हो गया आप घूम सकते हो ना, उतना लव लाइफ में नहीं घूम सकते। अच्छा ना ही अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आप घूम सकते हो। अच्छा और अरेंज मैरिज पे क्या लगता है आपको? अरेंज मैरिज बहुत सही है क्योंकि सारे फैमिली राजी रहते हैं, सारे फैमिली खुश है और सबसे बड़ी बात कि मम्मी पापा खुश है जी। और लव मैरिज में थोड़ा इशू होता है बट मम्मी मान जाते हैं, लेकिन पहले हर्ट करना बहुत, मतलब हम तो सही नहीं समझते कि किसी को हर्ट कर चुके हैं आप सबको, इसलिए आप समझ गए पापा को हर्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं जी। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मम्मी पापा को मैं हर्ट करूँ जी।